उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ के देश से ये डिफेंस एक्सपो 2020 हमेशा के लिए अपनी एक स्वर्णिम याद बनकर के देश के शौर्य पराक्रम को अपनी आंखों से नजदीक देखने का एक बहुत ही दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराया है। एक सफलतम आयोजन के समारोह के इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का और रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए विभिन्न विभागों और उपक्रमों से जुड़े हुए सभी अन्य उन सभी महानुभावों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि अब तो उत्तर प्रदेश की क्षमता पर किसी को भी प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। हर एक आयोजन हम लोगों ने सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जिन्हें अन्य लोगों को करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं इसको इस बात के लिए कह सकता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी शुरू दिन से इस बात को कहते थे कि लखनऊ में जो आयोजित होने वाला आयोजन है यह अब तक का सबसे अद्वितीय और अस्मरणीय आयोजन बनेगा। और उसी दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सफलतापूर्वक यह आयोजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। विगत 2-2.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार को अनेक आयोजन सफलतापूर्वक करने के अवसर प्राप्त हुए थे। खासतौर पर 2018 में इसी फरवरी माह में उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला इन्वेस्टर समिट हमारी सरकार ने यहां पर संपन्न किया था। इन्वेस्टर समिट के बारे में वास्तव में लोगों को यह धारणा थी कि उत्तर प्रदेश में कौन निवेश करेगा। मैंने अपनी पूरी टीम से इस बारे में कहा था, मैंने कहा देखिए ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार के प्रयास भी करने पड़ते हैं। अगर टीम प्रयास करेगी तो अभूतपूर्व निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय हमारे पास 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 2,50,000 करोड़ के प्रस्तावों को अब तक हम जमीन पर उतार चुके हैं और सफलतापूर्वक बहुत सारे उद्योगों से तो हम लोगों ने उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। मात्र 6 महीने के अंदर, इन्वेस्टर समिट के 6 महीने के अंदर हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन भी संपन्न कर दिया था। प्रधानमंत्री जी उस आयोजन में तब भी आए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि मात्र 6 महीने के अंदर लगभग 65,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को धरातल पर उतारना यह अपने आप में एक उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अपने आप में किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। और हम लोगों ने सफलतापूर्वक फिर इन आयोजनों को आगे बढ़ाया है। विगत वर्ष हमारी सरकार को कई इस प्रकार के आयोजन करने के अवसर प्राप्त हुए थे। पहले दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज कुंभ के बारे में अनेक बातें होती थी। जब मुझसे पहली बार पूछा गया कि प्रयागराज कुंभ में कितनी उपस्थिति होगी तो मैं भी इस बात को कहता था कि
12 से 14 करोड़ लोग आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, तैयारी की, केंद्र और प्रदेश सरकार की सामूहिक प्रयास का परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ 56 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा जी में डुबकी लगाई और प्रयागराज कुंभ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक नया मानक देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत किया है। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने काशी में इस आयोजन को किया था, सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ था और इस अवसर पर 7,500 से अधिक अप्रवासी भारतीय और उन लोगों ने जो भारतवंशी परिवार हैं उन लोगों ने इस आयोजन में भागीदारी की थी। आयोजन पूरी तरह सफल हुआ था। इसके उपरांत भी अनेक आयोजन प्रदेश के अंदर होते रहे, लेकिन यह वर्ष फिर से आयोजनों का एक नया अवसर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। अभी जनवरी महीने में हमारे यहाँ दो बड़े आयोजन हुए और इसी लखनऊ में हुए। पहला आयोजन था नेशनल यूथ फेस्टिवल, यह 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में राजधानी में हम लोगों ने संपन्न किया था। बड़ा भव्य आयोजन था, पूरे देश से 7,000 से अधिक युवा उस आयोजन में भागीदार बने थे और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन यूथ फेस्टिवल का, नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश के नाम जनवरी महीने में लिखा गया। इसी अवसर पर 16-17 जनवरी को ही प्रदेश में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का भी एक आयोजन यहां पर संपन्न हुआ था। ये भी बड़ा भव्य आयोजन था और इस दौरान हमारी सरकार को गंगा जी की निर्मलता को लेकर के नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों के अंदर हम लोगों ने गंगा को आस्था और अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए एक नमामि गंगे यात्रा का आयोजन भी प्रदेश के अंदर किया। इन आयोजनों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही हमें रक्षा मंत्रालय ने अवसर दिया कि हम पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस एक्सपो 2020 के आयोजन को आयोजित करें। यद्यपि मेरी पिछले वर्ष भी इच्छा थी, क्योंकि मैं जानता था कि डिफेंस एक्सपो हमारे लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। चुनौती ये कि पिछले किसी भी आयोजन से अच्छा करना, और अवसर इसलिए कि इस अवसर का भरपूर हम उपयोग करेंगे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए व्यापक निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की हमारी टीम ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के इस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अलग अलग अवसर पर मुझे औद्योगिक विकास मंत्री को, मुख्य सचिव को, या फिर हमारे प्रदेश के यूपीडा के सीईओ को, औद्योगिक विकास आयुक्त को, प्रमुख सचिव उद्योग को, इन सबको अलग अलग अवसर पर अपने अपनी टीम के साथ बैठना पड़ा। कभी सामूहिक रूप से भी था, लेकिन हम लोगों ने इस बारे में तय किया कि नहीं, ये कार्य होना है और कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो सफलता की ऊंचाइयां उस रूप में छुएं जो उत्तर प्रदेश के अनुरूप हों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि बड़ी जनसंख्या का राज्य है, तो बड़ी जनसंख्या का मतलब बड़ा निवेश भी होना चाहिए और आयोजन भी आबादी के हिसाब से ही बड़ा भी होना चाहिए। और उस बड़े आयोजन को उस रूप में यहां पर प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एमओयू हुए हैं, 23 ऐसे एमओयू हुए हैं जिनमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें इस अवसर पर प्राप्त हुए हैं। और मेरा अनुमान है कि 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 से 3 लाख युवाओं के लिए सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करना। मैं इस बात को देख रहा था जब यहां पर अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ हम अपने यहां वॉलंटियर्स के साथ फोटोग्राफी वहां पर हो रही थी,
तो फोटो सेशन के उन कार्यक्रमों में उनके चेहरे पर एक नई अजीब खुशी थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवसर राजधानी लखनऊ के साथ साथ उनके लिए भी आया है, क्योंकि सभी वॉलेंटियर्स हमारे यहाँ के टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए यहाँ के छात्र हैं, और इसीलिए इन लोगों ने इस अवसर को अपने लिए भी माना है कि उनके रोजगार और उनकी नौकरी की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। यहां पर देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है, पैसा लगाओ और उससे पैसा कमाओ, और पैसा लगाओ। जब यहां पे हमारी सरकार की ओर से प्रस्ताव आया कि भारत सरकार तो सीमित मात्रा में पैसा खर्च करेगी और सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए सरकार को भी पैसा लगाना पड़ेगा, तो मैंने कहा भी पैसा लगाएंगे तो पैसा तो फिर टैक्स के रूप में वापस हमारे पास ही आना है, इसलिए संकोच मत करना किसी कार्य के लिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जितना पैसा लगाया था पैसा टैक्स के रूप में हमारे पास वापस आया है। लेकिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे प्रदेश के परसेप्शन के बारे में देश और दुनिया को जानकारी मिली। पहली बार 40 देशों के रक्षा मंत्री, 70 देशों की सहभागिता के साथ 3000 से अधिक फॉरेन डेलीगेट्स किसी आयोजन में सहभागी बने, 10,000 से अधिक डेलीगेट्स पूरे देश से इस आयोजन में सहभागी बने, और मेरा अनुमान है कि कल तक जिस पूरे आयोजन में लखनऊ और प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग सहभागी बनने जा रहे हैं, इस पूरे आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा आयोजन हो गया है। और डिफेंस की दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप में एक महाकुंभ हो गया है, भारत के शौर्य को, भारत के पराक्रम को, भारत के गौरव को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और उस पर गौरव की अनुभूति की है। मैं इसके लिए लखनऊ को ये आयोजन उपलब्ध कराने, प्रदेश सरकार को इस अवसर के साथ जोड़ने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहां पर प्रदेश सरकार के साथ जो भी यहां पर आगे इन आयोजनों को हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक जो मंच आपने दिया है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम समय समय पर डिफेंस कॉरिडोर के लिए बहुत मजबूत आधार आपने इस आयोजन के माध्यम से हमें उपलब्ध करा दिया है। और मैं मान के चलता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप देश में उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के एक नए हब के रूप में विकसित करने में सफल होगा। मैं एक बार पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी का, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, रक्षा उपक्रम से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं। और इस पूरे आयोजन में जो टीम हमारी यहां लगी रही, खास तौर पर मैंने देखा था कि लखनऊ में जब यूथ फेस्टिवल हम कर रहे थे तब भी यहां पर लखनऊ के ईडीजी, लखनऊ के कमिश्नर और लखनऊ के जिलाधिकारी ने उस समय यहां की पूरी टीम के साथ, पुलिस आईजी पुलिस, उस समय के एसएसपी और उनकी पूरी टीम ने पूरे मनोयोग से उस समय भी काम किया। और इस पूरे आयोजन में भी मैंने देखा कि लखनऊ में पहली बार हम लोगों ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है, तो ईडीजी पुलिस का भी और लखनऊ पुलिस कमिश्नर की पूरी टीम ने लखनऊ के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी, इन सभी लोगों ने मिलकर के पूरे आयोजन के साथ जुड़ करके उसको जिस टीम भावना के साथ कार्य किया, क्योंकि आयोजन की सफलता टीम वर्क पर निर्भर करता है और टीम वर्क जितना बेहतर और जितना समन्वयवादी होगा उतना ही सफलता की ऊंचाइयां आगे बढ़ती हैं। और मैं इस पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं एक सफल आयोजन में योगदान देने के लिए, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में हमारा लखनऊ इन्हीं नई सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करके प्रदेश को देश की एक नए निवेश डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के रूप में सफल होगा। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं,
सफलता की बधाई आप सबको देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।